बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। पहले मैं आपको नीतीश कुमार का वो बाइट सुनाता हूं जो उन्होंने इसको लेकर कहा था, और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के दिन उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, और सोचिए इसके कई मायने हैं, क्या क्या बदलेगा वो भी बताऊंगा। सोचिए बिहार में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी, राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण समाज की संख्या लगभग 10% से ऊपर जाती है, तो उनको एमपी एमएलए में 10% ही टिकट मिलना चाहिए, नौकरियों में भी उनकी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। कुशवाहा समाज जो है वो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण समाज से ज्यादा है। मल्लाह समाज के लोग हैं वो कितने हैं वो भी बताऊंगा, उनको कितना टिकट मिलना चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं जिसको लेकर बातचीत हो रही है, और ये डिस्कोर्स शुरू हो जाएगा। टीवी अखबार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कहा था वो सुनिए। अलग योजना बनेगी तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं तो सबके हित में काम कर रहे हैं। जारी हो जाएगी तो आप जाति आधारित गणना हो जाएगा, तो जाति आधारित गणना में कौन किस गणना हो जाएगा, तो जाति आधारित गणना में कौन गणना हो जाएगा, तो जाति आधारित गणना में कौन किस जाति का है एक एक चीज की जानकारी होगी, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाला सबको होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि सबकी आर्थिक स्थिति, इवन अपर कास्ट के हो या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनकी आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाए, और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मदद दी जाएगी, यही सोच करके उसके लिए अलग योजना बनेगी। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं तो सबके हित में काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि सबके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और इससे ये हो जाएगा। ये जो जाति आधारित गणना का हमारा काम और उसे जो भी निकलेगा उसके लिए उनकी उनके लिए उनको और बेहतर बनाने का जो हम लोग काम करेंगे, तो इसी के साथ होगा न्याय के साथ विकास, ये सबसे बड़ी। तो ये न्याय के साथ विकास की जो बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, तो सोचिए मैं आपको पहले तो जाति जनगणना के कुछ आंकड़े बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आज वायरल है, और अखिलेश यादव हो, तमाम SC ST OBC के नेता ट्वीट कर रहे हैं, टीवी अखबार में भरे कोहराम मचा हुआ है, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC हैं, उनको लग रहा है कि ये बहुत सही फैसला है। तो इसके बाद ट्वीट्स आ गए हैं, मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा और उसके बाद सवाल भी होगा। सोचिए कुल आबादी 13 करोड़ प्लस है, जिसमें हिंदू 82% है, मुसलमानों की संख्या 18% है। अब जाति आधारित सोचिए, यादव जो है 14% है, उनको ज्यादा टिकट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल कास्ट में रविदास समाज के लोग 5.5% है, मतलब उनको उतनी भागीदारी चाहिए। कोयरी, कुशवाहा जो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, उनकी संख्या 4% है, वो ब्राह्मण समाज से भी ज्यादा है, राजपूत समाज से भी ज्यादा है, भूमिहार समाज से भी ज्यादा, उनको उतनी टिकट मिलनी चाहिए। सोचिए जाति का असर क्या होता है, 15% 3, 3, 6 और 3, 6, 2, 8, 10% वाला ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज और भूमिहार समाज 50% से ज्यादा एमएलए एमपी बनता है, अधिकारी बने हुए हैं। सोचिए शेड्यूल कास्ट में ही आते हैं, महादलित में आते हैं मुसर समाज के लोग, उनकी संख्या 3% है, वो राजपूत, वो तो भूमिहार से भी ज्यादा है, उनको उतनी संख्या में एमएलए एमपी बनाइए, उनके अधिकारी होने चाहिए। मल्लाह समाज के लोग 2.6 मतलब 2.5% है, वो लगभग सोचिए, तो कास्ट जो है 0.6% है। बनिया समाज, बैस समाज के लोग 2.31% है, टोटल पिछड़ा जो है वो लगभग 63% है। तो आने वाले चुनाव में ध्यान दीजिए, जो पार्टी राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोगों को 10% से ज्यादा टिकट दे, उनको वोट मत दीजिए, तब सामाजिक न्याय होगा। नौकरियों में इनकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए, और यही महिला आरक्षण को लेकर कहा जा रहा था कि ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए। जो पार्टी, जो ये बिहार का जो आंकड़ा है, इसकी शुरुआत बिहार से ही होनी चाहिए, और जो पार्टी इस जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन ना दे, चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, चाहे नौकरियों का मसला हो, इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए इन लोगों को। ऐसे कैसे चलेगा आजादी के 75 साल बाद 10% 15% लोग
85% संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं, और वो भी मेरिट से नहीं, ईमानदारी से नहीं, भेदभाव करके, भाई भतीजावाद करके, कोलोजियम सिस्टम के दम पर, इंटरव्यू के दम पर। आप सोचिए कितना बड़ा भेदभाव है ये। तो बिहार सरकार के आंकड़े जारी हो गए हैं और तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, आप चाहे तो हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सोचिए भेदभाव है ये, फेसबुक क्या करता है, जैसे ही मैं लाइव जाऊंगा मेरे रीच को एकदम घटा दिया जाता है, पता ही नहीं चलता कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। सोचिए बिहार में पिछड़े समाज में 63% और पसमांदा मुस्लिम समाज के 15% लोगों को, मतलब टोटल 78% लोगों को 27 रोटी से संतोष करना पड़ रहा है। तो ओबीसी की संख्या सोचिए इस तरह से है, और वहीं सवर्ण समाज के 15 लोगों को 51 रोटी मिल रही है पेट भरना। सोचिए किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, वो बता रहा हूं। डॉक्टर संदीप ने लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बिहार में पिछड़े समाज के 63 और पसमांदा मुस्लिम समाज के 15% लोगों को, मतलब 78% लोगों को 27% रोटी से संतोष करना पड़ रहा है, और वहीं सवर्ण समाज के 15% लोगों को 51 रोटी मिल रही है पेट भरने के लिए, दलित समुदाय के 20% लोगों को 15 रोटी मिल रही है, आदिवासी समुदाय के 2 लोगों को 1 रोटी मिल रही है। तो इस तरह के तमाम लोग जो है वो डेटा दे रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है, मीडिया में बेचैनी है, पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। सोचिए तो ब्राह्मण समाज के लोग 3.65 है मात्र, राजपूत समाज के 3.45 है, भूमिहार समाज के 2.86 है, कायस्थ समाज 0.6 है। सवाल है कि ये लोग 50% से ज्यादा 70% संसद कैसे पहुंच रहे हैं, ये मीडिया में कैसे अड्डा जमाए हुए हैं, नौकरी सरकारी नौकरी में कैसे जाए, ये मेरिट नहीं है, मेरिट की दुहाई मत दीजिएगा, ये सब कुछ आपके आपको बैकग्राउंड की वजह से मिलता है, और ये सब दूर होना चाहिए, समझिए। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, और आजाद भारत के बाद सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम है ये। 1932 में अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई थी, और अब जाकर सोचिए 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल चुका है ऑलरेडी। तो बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हैं, रणवीर सिंह गुर्जर ने पोस्ट किया है, जनरल 15%, 15.5%, ओबीसी 63%, और राजपूत समाज के लोग मात्र 3.45% है, ब्राह्मण समाज मात्र 3.67% है, भूमिहार समाज मात्र 2.89% है, इनको इतने ही संख्या मिलनी चाहिए। और सोचिए कि किस तरह से अनुसूचित जाति के 19.65% लोग हैं, और सोचिए कि जो कुशवाहा समाज है उसकी संख्या कितनी ज्यादा है, कुर्मी समाज 2.87 है, तो जो जिस समाज 14% के साथ, यादव समाज सबसे ज्यादा है ओबीसी में, तो उनकी संख्या मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए, SC ST ओबीसी लोगों को। और अब कम से कम आंकड़ा आ गया है, सोचिए दिलीप मंडल ने कुछ ट्वीट किया, यूपी में ब्राह्मण ठाकुर सवर्ण वैश्य तथा कायस्थ मिलाकर 10% के आसपास ही हैं, इसी डर से माई योगी आदित्यनाथ जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, उनको सब पता है। तो दिलीप मंडल लगातार जो है वो मर्म पर, नब्ज पर हाथ रख रहे हैं, और इस जनगणना को लेकर उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं, और वो कह रहे हैं कि क्या ये सब कुछ तय होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी, वही 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है गरीब सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर, और कितना चाहिए। प्रशांत कुमार ने लिखा था, बिहार में ब्राह्मण सिर्फ 3% है, ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए, ब्राह्मणों की बात कौन करेगा। प्रशांत कुमार को पता ही नहीं कि इनको 10% रिजर्वेशन ऑलरेडी मिला हुआ है। ओबीसी SC ST मिलाकर 85% है आबादी है। तो राहुल गांधी का ट्वीट आ गया इसको लेकर, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी SC ST 84% है, 1% घटा दिए हैं साहब। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं, इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है, जितनी आबादी उतना है कि हमारा प्रण है। राहुल गांधी अपने पूरे फॉर्म में है, वो बहुजन बन गए हैं अब, और SC ST ओबीसी को उसकी हक संख्या में रिजर्वेशन देने के पक्ष में, तो ये लड़ाई बहुत तेज होगी, 1% का भी घपला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिलीप मंडल ने लिखा है, यूपी में भी ब्राह्मण ठाकुर सवर्ण वैश्य तथा कायस्थ मिलाकर 10% के आसपास ही हैं,
इसी डर से योगी आदित्यनाथ जाति जनगणना नहीं करवाने चाह रहे हैं। तो इस बार तो तय हो गया कि जो जाति जनगणना के खिलाफ है शायद ही उसको बहुजन समाज के लोग वोट करें, एससी एसटी ओबीसी तमाम। और सूची आंकड़े आ गए हैं, अब सरकार बताए कि समाज में पीछे छूटे लोगों को सशक्त कैसे करेगी। सवाल है कि 10% लोगों को जब 10% रिजर्वेशन मिल चुका है तो 85% लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। लालू यादव का ट्वीट, तो सोचिए राष्ट्रीय 2015 बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए लालू प्रसाद जी ने कहा था कि मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़ाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। बिहार में तो हो गया, अब देश में होगा। ये बड़ी जागरूकता का काम हुआ है और पूरे देश में सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग ट्वीट कर रहे हैं। यहां तक कि अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, बिहार सरकार ने जातिवार आंकड़े जारी कर दिए हैं, अब चुनावी रणनीति की धुरी नए सिरे से बनेगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का दांव खेल नए नियम बना सकता है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का दांव, खुद को ओबीसी की हिमायती बताने वाली बीजेपी के लिए नए चुनौती खड़ी हो गई है। तो सवाल है कि कोई भी पार्टी अगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है आपके समाज के संख्या के अधिकार अनुपात में, तो आप उसे बिहार में 63% पिछड़े सिर्फ 27% आरक्षण में ठूस दिए गए हैं, ये जुल्म है, अत्याचार है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों आरक्षण 10% बढ़ा देना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को खत्म कर देना चाहिए, वो बेकार है, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। तो सबसे बड़ी खबर है आज जाति जनगणना को लेकर, सवर्ण मीडिया में कोहराम मचा हुआ है, उनके यहां भी इसी तरह की भागीदारी नहीं है। तो अब प्रतीकात्मक राजनीति नहीं चलेगी, आबादी के हिसाब से हक देना पड़ेगा, नौकरियों में, शिक्षा में, निर्णय लेने वाले उच्च पदों में, कम से कम 6 जगहों पर तो ये होना चाहिए। मीडिया में सबसे पहले होना चाहिए 85% रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को। जब मैं एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूं तो आप मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं। नौकरियों में चाहिए उससे, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, मीडिया में चाहिए, जुडिशियरी में चाहिए, कॉलेज में, वहां से जहां से ये देश चलता है, जहां से सारी नियम कानून बनाए जाते हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया है, तो 2024 का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा जाति जनगणना की लड़ाई और जाति के अनुपात में सबको बराबर देना। वहीं जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो सवर्ण मीडिया है, वो आंकड़ा जारी कर रही है, हिंदू 81% और मुस्लिम 17%, लेकिन ईसाई, तो सोचिए वो धर्म के आंकड़े जारी कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो जातिगत आंकड़े जारी कर रहे हैं। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो फायदा है वो जातिगत जनगणना से है। और तो सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने भी इसको सही माना है, उन्होंने कहा है कि 85% के हक अधिकार दिए बगैर आप कैसे देश चला सकते हैं। सोचिए 85% लोगों के हिस्से में सिर्फ 27 ओबीसी को 27% दिया गया, 49% रिजर्वेशन है वो भी लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि जो लागू करने वाली बॉडी है उसमें उनकी संख्या ही नहीं है। अब तो हर डिपार्टमेंट में, हर 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 नौकरी में, और सबसे पहले मीडिया में ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए कि जाति, अब कब तक, जातीय गणना कोई खेल नहीं था, इस पर किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने के लिए बड़ी सूझबूझ और राजनीतिक स्पष्टता चाहिए। लालू नीतीश की इस हिम्मत ने उन्हें अपने दौर के सारे बहुजन नेताओं से बहुत आगे पहुंचा दिया है, खासकर यूपी के नेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि ठोस वैचारिकी को कैसे आगे ले जाते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इस देश का 85% आबादी उनके खिलाफ जाएगा। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, चाहे मायावती जी हो, चाहे आपको देश के जितने एससी एसटी ओबीसी नेता हैं, करुणानिधि हो, मायावती जी हो, स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, ये सब जाति जनगणना की मांग कर रहे थे और इसको अमली जामा पहना दिया है बिहार सरकार ने, जिसके बाद सबसे ज्यादा मीडिया में भी भूचाल आ रहा है कि वो लोग क्या परसेप्शन बनाते हैं। मैं उसकी बात भी बताऊंगा, मैं स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं कि वो क्या लिख रहे हैं, उनकी राय क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। सोचिए बिहार में लगभग 20% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको 20% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 63% ओबीसी है उनको 63% मिलना चाहिए, और 10% मात्र अगर राजपूत भूमिहार और ब्राह्मण मिला दे तो 10% है। तो सब जगह इनका पता चलना चाहिए कि लोग कितने। सोचिए
अकेले मल्लाह समाज के जो लोग हैं वो भूमिहार समाज के आसपास हैं, उनको उतनी संख्या होना चाहिए। कानू, धानुक, नोनिया, ये तमाम लोग, पान सवासी, पानरस, चंद्रवंशी समाज के लोग, नाई समाज, बढ़ई समाज के लोग, तो सब लोगों की जनसंख्या के अनुपात में उनको रिजर्व, प्रजापति, तो ये तमाम जो कम्युनिटी हैं उनको, उनकी संख्या में ये लोग बहुत अफवाह फैला रहे थे कि सब यादव खा गया, कुर्मी खा गया, कोयली खा गया। अब पता चल रहा है कि 95% पदों पर, 90% पदों पर, 80% पदों पर तो 10% लोग बैठे हुए हैं। ये अब नहीं चलेगा, बहुजन समाज के लोग बहुत जग गए हैं और वो अपने हक अधिकार के लिए सजग हैं।